तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं गुलमर्ग और एक देखो पूरा वाइट हो रखा है ग्राउंड दूर दूर तक। ये देखो भाई, और अभी हम कार पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं। कहाँ और आगे चलना भाई? बिल्कुल हमाले की चलना भाई, जहाँ पे कोई गाड़ी ना खड़ी हो एकदम अकेले में। ज्यादा पिछली बार खड़ी करवाई थी इटियोस। गाइस हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग और काफी ठंड है यार, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड तो मत लग रही? नहीं लग रही है भाई। और एक बार सामने का नजारा दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई फुल पावर भाई, क्या बात है भाई, पागल होना के अंदर ले आया है जिशान भाई गाड़ी। हमको आने नहीं दे रहे थे लेकिन अकेला ये लाया ना, ये लोकल है तो इसको आने दिया आराम से। तो भाई जिशान भाई थार चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोकल्स लोग को रोकते नहीं है, अगर हम चला रहे होते तो हमको रोक लेते हैं वो, और क्योंकि इनकी इनकम होती है ना घोड़े वगैरह से या फिर इनकी जो बाइक्स वगैरह होती हैं स्नो बाइक। तो कुछ ऐसा रास्ता है भाई, ये गंडोला के लिए रास्ता जा रहा है ना। सही है, सब क्लियर कर दिया इन्होंने सारी बर्फ। सही है, कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं भाई। गाड़ी हमने पार्क कर दी इधर और यहाँ पे गंडोला जाता है ऊपर, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, तो देखते हैं इधर से चलते हैं भाई। चलो तो भाई हम आ गए हैं पूरे स्नो वाले ग्राउंड में, तो अभी यहाँ पे स्कीइंग होती है ऊपर, उधर चलते हैं स्कीइंग करने। और ड्रोन उड़ाते हैं, एक दो शॉट लेते हैं, उसके बाद स्कीइंग करेंगे, मतलब देखेंगे अगर हो पाई तो, नहीं तो उसके बाद फिर हम जाएंगे ड्रंग वाटरफॉल ना। फिलहाल ड्रोन उड़ाते हैं। सो गाइज ड्रोन शॉट्स हमने लिए यहाँ पे गुलमर्ग में, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले यहाँ पे लोकल में किसी से, तभी आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो परमिशन लेके ड्रोन उड़ाएं, और आई होप आपको ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे और काफ़ी मज़ा आया यार इधर। लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, स्नोफॉल अगर हो रही होती तो मज़ा आ जाता। तो भाई गाड़ी में वापस आ चुके हैं, अब चलते हैं जहाँ पे स्कीइंग होती है उधर चलते हैं। और ये पूरा ब्लैक आइस है यहाँ पे नीचे, तो काफी स्लिप करेगी इधर गाड़ी, तो फोर हाई पे लगा लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों की गाड़ी फंस चुकी है, अब भाई ने मदद मांगी है, इनकी गाड़ी निकलवाते हैं। बहुत ही गंदी तरीके से फंसी है नाले में और पूरा बम्पर वम्पर फंस गया है, देखते हैं अब इनकी गाड़ी पीछे से टो करनी पड़ेगी। तो अभी हम स्कीइंग करने के लिए जा रहे थे और जैसा कि मैंने भी बताया एक फॉर्च्यूनर फंसी हुई है नाले में बहुत गंदी तरीके से, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखो भाई, ये पूरा मसला ऐसा हो गया है कि गाड़ी जो है ना आधा टायर धस चुका है गाड़ी के अंदर और बम्पर तो जमीन पर टिका हुआ है। वैसे ये फोर व्हील ड्राइव है लेकिन गाड़ी को पकड़ नहीं मिल रही है क्योंकि पीछे जो है ना पीछे भी स्नो है, अगर पीछे टारमैक रोड होता ना तो खिंच जाती गाड़ी। कोशिश बहुत की है इसने लेकिन हाँ कोशिश करी है, वो दिख ही रहा है ना पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। यहाँ से देख लो कितनी कोशिश की है।
तो हमारे पास टो चेन तो नहीं है, लेकिन वो घर वहाँ है पुलवामा में। अरे यार हरी वाली थाली में। अबे हमें पता है ना, हम इतना एक्सट्रीम तो ऑफ रोडिंग करेंगे नहीं, इसलिए मैं वैसे तो लाया हूँ साथ में, लेकिन इधर लोकल में घूमने के लिए नहीं लाया मैं। टोचन जो है, टोचन तो रखी तो है पुलवामा में, रखनी चाहिए यार। अब पता नहीं ना आगे वो कुछ लेके अपना अमर वहां से गाड़ी लेके आओ। अरे यार छोड़ मारो, फोर व्हील ड्राइव है, डीएल नंबर है। तो वैसे डीएल नंबर है, डीएल नंबर है भाई। गाड़ी काफी ट्राई मारा है इसने। चलो कोई नहीं, हम भी ट्राई मारते हैं। कहाँ से, यहाँ से? ये बैक, मतलब ये कह रहा है ये ट्रैक नहीं है, मोमेंटम में पता नहीं। कह रहे फॉर्च्यूनर देखनी है आपको, फॉर्च्यूनर नहीं यार, उन्होंने 2 घंटे से ट्राई कर रहे हैं, तो कहाँ ही चढ़ेगी यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं। क्या लो पे निकाल रहे हो? लो पे, लो पे भी निकाली, हाई पे भी नहीं निकल रही, वो आगे दस गई है ना। हाँ और पीछे भी तो और सपोर्ट नहीं मिल रहा, नीचे पीछे ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। तो देखते हैं, मैं गाड़ी घुमा के लाता हूँ उधर से, फिर ट्राई। किधर से रास्ता वापस आने का? आगे से, आगे से चलो साथ में आ जाओ, कोई नहीं। तो भाई गाड़ी हमने उतार दी अंदर, और वो सामने फॉर्च्यूनर खड़ी है, देखते हैं ट्राई मार के अगर निकल जाएगी तो बढ़िया यार। भाई 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? जुनैद। आप किधर से हो? मैं यही कश्मीर सोपोर से हूँ। सोपोर से जी। चलो भाई ट्राई मारते हैं। तो भाई गाड़ी ले आया हूँ मैं इधर, इस तरफ फेस करके खड़ी कर दिया मैंने, क्योंकि रस्सी छोटी है इसलिए गैप कम रखा है दोनों गाड़ी के बीच में। क्यों भाई? हाँ तो बोल। सोच रहा हूँ कि मैथ्स लगा रहा है तू? मैथ्स नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या निकल जाएगी मेरे ख्याल से, निकल जाएगी क्योंकि पीछे इसकी में पावर है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए इसको। हाँ दोनों में 4x4 है ना यार, ये भी तो है, तो देखते हैं। होगा ना नीचे हुक, होगा हुक है ना इसमें, कभी देखा नहीं मैंने। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई ये थार में हुक यहाँ पर है और फॉर्च्यूनर में उधर लगा दिया है। गाड़ी टो कर लिया मैंने पीछे, चलो निकालू और हमारा फोर लो पे कर लो। रुक जाएगा, हाँ समझ गया मैं, समझ गया। ठीक है भाई 4 लो पे हो गई है, चलू होगी टाइट। रस्सी टूट गई है, रस्सी टूट गई यार, रस्सी टूट। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं कुछ और। नीचे आ गई गाड़ी, तो भाई बता रहे हैं थोड़ी सी गाड़ी निकल गई थी, लेकिन हमारी रस्सी कमजोर है। देखते हैं आगे, अभी आ गई थी तो रस्सी टो चेन शायद मिल गई उधर, देखते हैं दोबारा ट्राई मारते हैं। भाई कुछ ये लेके आए हैं, ये पूरा लोहे की है, ये सब चेन शायद लोहे की है, ये है ना, ये नहीं टूटेगी। ये ऐसा तो नहीं है कि ये जॉइंट जॉइंट में से टूट जाए यहाँ से बीच में से? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं टूटेगी। रोलो रखा है अंदर, ये दो मोटर होती है ना इसमें, वो ये नहीं, हाँ जिससे वो सिकिंग वाला लिफ्ट ऊपर नीचे आता है। एक फोटो, एक फोटो कर दी वो डिपार्टमेंट वाले भाई ने देगी। तो भाई यहाँ पे बांध के देखते हैं। नॉट कर रहा है, अगर ये सिंगल होती तो इजी होता है ना, सिंगल होती तो फिर काफी इजी होता, फिर एक तरफ से गांठ बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई देखो गेंडोला राइड की रस्सी जो लोहे की होती है वो बांध दी, यहाँ पे हुक लगा दिया, बांधने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, अब आई होप गाड़ी निकल जानी चाहिए यार इस बार। कर लियो रस्सी, आगे थोड़ा सा जाओ भाई, बैठो आप। जब
जा 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 अभी जा और जा और जा आमिर भाई और जाओ और जाओ बस और बस 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 भाई बस 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 रस्सी खुल जाएगी मुझे लग रहा है वाली। ये बम्पर में लग रहा है क्या? अच्छा अच्छा तभी बम्पर टूट जाएगा यार। ये बम्पर टूट सकता है इससे तो फिर अब यार रस्सी का ही करना पड़ेगा कुछ। निकल नहीं रहा नहीं। अच्छा अब निकल नहीं रहा। अब थोड़ी और पीछे गाड़ी अच्छा और पीछे करनी पड़ेगी। ठीक है कोई नहीं। तो ऐसा है कि टो चेन हमको प्रॉपर मिली नहीं है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। जो बम्पर में ना लग रहा है उसका तो बम्पर टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देख रहे हैं अभी और जो है ढूंढ रहे हैं। निकाल के तो रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो यार पहले हमने ये बांधा था बट ये गाड़ी के बम्पर में टच हो रहा है तो उससे बम्पर टूट सकता है। तो ये दो तीन गांठ बांध दिए हैं। रस्सी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इससे बट ऑप्शन कोई और है नहीं। अभी बीच में मोटर वाला पार्ट आएगा। पहले सोच रहे थे यही हुक लगा दे। हो जाएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाबा भाई को बुलाऊं क्या? मोटर खींच रही है ना सामने से ये दिक्कत करेगी। ये इसमें से ना टूटे बस। अरे यार भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रस्सी थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी शायद है ना। सुनील अभी भी निकली गाड़ी हमारी। ओ आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है। इसको झटका देना पड़ेगा थोड़ा सा। उसकी भी फंस गई क्या? ले गए इसे भाई। हाँ अपनी भी फंस गई लगता है। आराम से अलियास भाई आराम से। थोड़ा सुनो थोड़ा ना झटका चाहिए इसको बस। आगे ये पीछे काफी है। थोड़ी सी रह गई है बस। लोहे की जो चेन थी ना रस्सी वो भी टूट गई है। जैक से काफी उठ गए हैं यहाँ से। आगे से दो तीन इंच उठ गया भाई।